हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सबसे बड़ी जो अपडेट है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है कि चिरंजीवी योजना के तहत जो मोबाइल मिलने वाले हैं वो आपको किस तरह मिलेंगे। सबसे बड़ी अपडेट, आप बार बार गूगल पर भी सर्च कर रहे होंगे, यूट्यूब पर भी लगातार वीडियो अपलोड हो रही है, तो इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो अगर मोबाइल लेना है तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपके नज़दीकी सेंटर पर आपको मोबाइल के लिए क्या क्या करना है। आपके नज़दीकी सेंटर पर आपको मोबाइल जो मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, तो अगर आपको ये जानना है तो पूरी वीडियो देखिए कम्प्लीट। सबसे बड़ी बात ये है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ उस नज़दीकी सेंटर पर मोबाइल मिलने वाले, या तो आपको मिलेंगे नज़दीकी मित्रों पर और या मिलेंगे नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर। इसके अलावा दो जगह के अलावा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, और ये सबसे ज़्यादा अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी या नज़दीकी मित्र पर आपको मोबाइल फ़ोन लेने के लिए क्या करना होगा, सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहें एंड तक, ये मेरी आपसे विनती है। और ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा मुझे जानकारी जुटानी पड़ी, तो उसके लिए आप वीडियो कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो इस मोबाइल चिरंजीवी योजना के तहत मोबाइल से रिलेटेड सारी जितनी भी आपकी परेशानियाँ हैं, समस्याएँ हैं, सभी का समाधान मैं इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि मोबाइल के लिए आपको करना क्या होगा। तो सबसे पहले मोबाइल के लिए आपको सब सिंपली अपना जो चिरंजीवी योजना है उसका स्टेटस देखना होगा। तो उसका स्टेटस देखने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना जो जनाधार नंबर है ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जनाधार नंबर है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर स्टेटस देखना है। इस यहाँ पर आओगे कैसे, तो आपको सिंपली अपने जो मोबाइल फ़ोन का गूगल क्रोम ब्राउज़र है या फिर PC है, तो दोनों में आपको यहाँ पर अपना जो पैनल खोला, उसके बाद यहाँ पर डाला चिरंजीवी योजना। जैसे आप चिरंजीवी योजना डालेंगे तो सबसे पहला लिंक जो आएगा वो मुख्य पृष्ठ चिरंजीवी योजना आएगा, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। आप मोबाइल से देखेंगे तो भी सेम ही विंडो आएगी, तो यहाँ पर अपना जनाधार नंबर जैसे ही आप डालेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो तुरंत आपके सामने आपका जो है चिरंजीवी योजना स्टेटस वो दिखाई दे देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी स्टेटस, जो ये जनाधार नंबर है इसका एलिजिबिलिटी स्टेटस है यस, तो यहाँ पर ये हम पात्र हैं। तो और किस कैटेगरी के तहत पात्र है, NFSA के तहत। आप SMF, NFSA या और आप पेड पॉलिसी, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एलिजिबिलिटी स्टेटस यस दिखा रहा है, कैटेगरी NFSA एंड डिस्ट्रिक्ट कोड 104 और स्टेटस यहाँ पर 200, ये सभी चीज़ें अगर आपकी दिखा रहा है तो आपको मोबाइल फ़ोन के लिए एलिजिबिलिटी है। ये सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है, योग्यता, यहाँ कोई 10वीं पास का एग्ज़ाम नहीं चल रहा, जो आपको यहाँ 10वीं पास होना कोई ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो आपको चेक करना पड़ेगा खुद से ही, तो मैंने बता दिया किस तरह से आपको चेक करना है। तो यहाँ पर यस आ रहा है तो आपको मिलेगा, नो आ रहा है तो नहीं मिलेगा, साफ साफ क्लियर क्लियर बात है, दो बिल्कुल। तो यहाँ पर इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि आपका कि ये कहाँ पर मिलेगा, तो ई मित्र या आंगनवाड़ी केंद्र, दो में से एक सेंटर बनाया जाएगा 110%। तो वहाँ पर आपको जाकर अपना जो रजिस्ट्रेशन वो चेक करवा लेना है। अगर यस अभी आपने चेक कर लिया यस है तो आपको जाकर सीधे अपना नाम को नाम जैसे वोटर लिस्ट में आप नाम निकलवाते हो सेम उसी तरीके से आपको नाम चेक करना है और अपना मोबाइल फ़ोन ले लेना है। इसके बाद आता है तीसरी बात कि आपको जो ये ई मित्र वगैरह, जो ई मित्र वगैरह से आपको फॉर्म भरवा रहे हैं बहुत से, इसके बाद जो बात आती है कि अगर ई मित्र वगैरह से जो आपको फॉर्म भरवा रहे हैं कि ये फॉर्म भरो तभी मोबाइल मिलेगा और ये बायोमेट्रिक वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं करवाना कि आपको पैसे ऐड रहे हैं, किसी से 100 रुपये ले रहे हैं, किसी से 200 रुपये ले रहे हैं, किसी से कितने, तो यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ भी नहीं करवाना। अगर आप चिरंजीवी योजना के तहत पात्र हैं तो ही आपको मोबाइल मिलेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। दूसरी बात यहाँ पर जो निकल के आ रही है कि यहाँ पर अगर महिला मुखिया है, एक तो हेड ऑफ़ फैमिली, जनाधार में जो हेड ऑफ़ फैमिली महिला है उसको तो मोबाइल मिलेगा ही मिलेगा, बस उसी को मिलेगा, उसके अलावा पूरे परिवार के अंदर किसी को नहीं मिला। हेड ऑफ फैमिली अगर एक जनाधार में एक महिला मुखिया है तो उसको मिलेगा, अगर एक जनाधार में चार महिलाएं और महिला मुखिया जो बनी हुई है उसी को मोबाइल मिलेगा, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। सेकंड, अगर महिला मुखिया के स्थान पर कोई पुरुष है और उनका परिवार में कोई भी महिला मुखिया नहीं है तो उनको मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसका कोई संशोधन अभी तक नहीं आया कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसका भी मैं कुछ यहाँ पर कह नहीं सकता। अगर वीडियो में आपको सब कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड सारी वीडियो मैं आप लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।